किससे कहानियां सुनना किसे अच्छा नहीं लगता? आपने देशों की, राजाओं की, संस्कृतियों की न जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी। आइए आज हम आपको एक बेहद अनूठी कहानी सुनाते हैं, कहानी जिसमें सपने हैं, हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है, उतार चढ़ाव भी है और आइए सुनते हैं कहानी। इंडिया में कुछ गिने चुने ब्रांड्स ही हैं जिनकी शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी और जो आज ऑलमोस्ट एक सेंचुरी बीतने के बाद भी करोड़ों इंडियंस के फेवरेट बने हुए हैं। सन था 1936। कानपुर की एक अनजान सी गली के छोटे से घर में श्री रतनलाल जैन जी कुछ ऐसा बनाने में जुटे थे जो दशकों बाद करोड़ों लोगों को रोजगार देने का साधन बनने वाला था। श्री रतनलाल जैन जी पान मसाला बना रहे थे, वो पान मसाला जिसके सीक्रेट ब्लेंड का फॉर्म्यूला उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी खिलाया और सिखाया जाता था। उस वक्त न तो इसका कोई नाम था, न ही कोई पैकेजिंग, ना ही इसकी मार्केटिंग थी, ना ही कोई सेल्स टीम था, तो बस एक अनूठे ब्लेंड का सीक्रेट फॉर्म्यूला। अगले करीब 30 सालों तक श्री रतनलाल जैन जी यूं ही पान मसाला बनाते रहे, चाहने वालों की तादाद बढ़ती रही, सीक्रेट ब्लेंड का जादू अपना असर दिखा रहा था और इस दौरान अगली पीढ़ी का पदार्पण हो चुका था। श्री प्रकाश चंद जैन भी अपने पिता का हाथ बटाने लगे। '66 में श्री प्रकाश चंद जैन जी ने अशोक एंड कंपनी की स्थापना की। वक्त आ गया था कि इस पान मसाले को एक नाम, एक पहचान दी जाए। ये तो प्रकाश चंद जैन जी की दूरदर्शिता थी जिसकी बदौलत उन्होंने टिन पैकेजिंग की कल्पना की, इसका लेबल डिजाइन करवाया और यूं जन्म हुआ उस सदाबहार ब्रांड का जो आज 53 साल के बाद भी करोड़ों लोगों की जुबान पर छाया हुआ है, पान बहार। देश और विदेशों में छा जाने वाले पान बहार का जन्म हो चुका था, वो पान बहार जिसके नक्शे कदम पर चलकर आने वाले दशकों में हजारों पान मसाला ब्रांड्स का जन्म होने वाला था। ये वो दौर था जब पान मसाला नाम की कैटेगरी का ही कोई अस्तित्व नहीं था, ना कोई एमबीए की डिग्री, ना ही मार्केटिंग का कोई ज्ञान, लेकिन श्री प्रकाश चंद जैन जी का आत्मविश्वास हर पल उन्हें प्रेरित करता रहा और उन्होंने पान बहार को घर घर पहुंचाने के लिए प्रमोशन कैंपेन करने की ठान ली। '67 में उन्होंने पान बहार के छोटे छोटे पैकेट्स बनवाए और पान की दुकानों पर फ्री में बांटे और यूं पान खाने वाले लाखों लोगों ने पहली बार पान बहार के सीक्रेट ब्लेंड का स्वाद चखा। आज के मार्केटिंग गुरु इसे फ्री ट्रायल्स के नाम से जानते हैं। जी हां, पान बहार एक ब्रांड बनने की दिशा में पहला कदम उठा चुका था। 1974 के आते आते डिमांड और बढ़ने लगी थी और इसी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पान बहार के पहले मैकेनाइज प्लांट की शुरुआत हुई। टिन पर लेबल चिपकाने का जमाना भी गुजर चुका था, कैंस पर डायरेक्ट प्रिंटिंग ने पैक को एक प्रीमियम लुक प्रदान कर दिया। पान बहार ने इनोवेशन को तो जैसे अपना मंत्र बना लिया था। '79 में किन्हीं कारणों से पान बहार का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। इसके लाखों चाहने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। कंपनी ने इसी साल बेगम, नटखट और वाह जैसे ब्रांड्स लॉन्च किए ताकि पान बहार के चाहने वालों की निराशा कुछ तो कम हो। देखते ही देखते इनमें से हर ब्रांड ने अलग अलग इलाकों में अपनी धाक जमा दी। मेरे घर के नीचे पान वाले की दुकान थी,
तो मेरे बाबा वहाँ खड़े हुआ करते थे तो और पूछा करते थे कि तुम ये चूना लगाते हो, कत्था लगाते हो, सुपारी डालते हो, ये डालते हो, वो डालते हो, मेंथल डालते हो। तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ बनाई जाए कि ये पान वाने वालों को छुट्टी मिल जाए। छुट्टी मीन्स उनका व्यापार उनको कम करने नहीं था, उनका लगा था लोगों को आराम से खाना मिल जाए। तो उन्होंने एक ऐसा फार्मूला क्रिएट किया कि सब कुछ मिक्स करके चार पांच ब्लेंड बनाए और फिर उन्होंने लोगों को खिलाना चालू किया कागज़ की पुड़िया में। तो लोगों ने बहुत लाइक किया। तो स्टार्ट इस तरह से पान बाहर हुआ उस ज़माने में कि तब हमारा डिब्बा टिन में नहीं आता था, दफ्ती के पैकेट में आता था, पाउच में छोटा। तब ना तो प्लास्टिक पाउच थे, ना कोई मशीनें थी, ना कुछ था। तो उन्होंने छोटे छोटे जैसे समोसे बिकते हैं उस तरह उसको डाल डाल के लोगों को खिलाया तो लाइन लगनी चालू हो गई। फिर मेरे फादर लोगों ने सोचा कि इसको मल्टीनेशनल टाइप का स्टार्ट करें, बड़ा काम करें। तो उन्होंने काफ़ी कंपनियों से नई नई चीज़ें बनवाईं। उस ज़माने में पाउच चलते नहीं थे, उन्होंने टिन बनवाए, टिन बनवा के उसमें पैक किया, पैक करा के वो गली गली साइकिलों से इधर उधर पूरे कानपुर शहर में स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे वो कानपुर शहर से कानपुर जितने पूरे हैं हिंदुस्तान के सब जगह बिकने लग गया। पहली पीढ़ी ने पान बाहर को जन्म दिया था, दूसरी पीढ़ी ने इसे नाम और आकार दिया था, अब तीसरी पीढ़ी देश और विदेश में पान बाहर के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाने में जुड़ गई थी जो उनके लिए एक एक्सटेंडेड फैमिली से कम नहीं था। हमने पूरी कोशिश करी कि हम किसी भी तरह अपनी जो ब्लेंडिंग है, जो भी एक पुरानी फॉर्मुलेशन बाप दादाओं की, रतनलाल जी की, प्रकाश चंद जी की दी हुई जो एक ब्लेंडिंग फॉर्मुलेशन थी, उसको मेंटेन करके चलें और वही फैमिली की एक सीक्रेट ब्लेंडिंग है जो आज वही टेस्ट, वही स्वाद जो 40 साल पहले मिला करता था। जो कोई थोड़े बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्होंने उस पान बहार को खाया हुआ है, वो समझते हैं कि वही चीज़, वही शुद्धता आज भी इस प्रोडक्ट में है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इस चरण पे हैं कि पूरे देश में कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहां हमारा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन ना हो। बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए एक तरफ दूसरे प्लांट की शुरुआत हो चुकी थी, वहीं प्रिंट मीडिया में ये ब्रांड्स नियमित रूप से पूरे जाहो जलाल के साथ नजर आने लगे थे। सन था 2006। श्री दिनेश जैन जी का जुनून रंग लाया और पान बहार का बनवास खत्म हुआ। साथ ही कंपनी का नाम हो गया अशोक एंड कंपनी पान बहार लिमिटेड। दिनेश जी ने इस यादगार लम्हे को क्या खूबी से सेलिब्रेट किया। पान बहार के कंज्यूमर्स को पुराने कैंस के लौटाने पर उनके बदले प्योर चांदी के कैन दिए गए। 500 से ज्यादा प्योर चांदी के कैंस। कि जो लोग बहुत पुराने हो चुके थे पान बहार खाने वाले, उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज दी जाए कि वो लोग और अपनी पीढ़ियों को भी बताएं कि पान बहार कोई ब्रांड था। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जो मेरा पुराना डिब्बा लेकर आएगा 1978 का या उससे पुराना, मैं उतना ही वजन का उसको चांदी का डिब्बा फ्री दूंगा। पान बहार अपने दूसरे अवतार में लोगों के दिलों दिमाग पर अपना जादू चला रहा था। मौका था एक यादगार कैंपेन लॉन्च करने का। दो पीढ़ियां, लेकिन दोनों की चाहत एक ही, पान बहार। बदलते इंडिया की एस्पिरेशन को समझते हुए पान बहार ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे एक्सपेंसिव पान मसाला क्रिस्टल लिमिटेड एडिशन। जैसी लाजवाब क्वालिटी, वैसे ही आकर्षक पैकेजिंग। देखते ही देखते पान बहार क्रिस्टल इंडिया की इलीट क्लास के लिए एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। खास है सोना चांदी और खानदानी तजुर्बे का मिश्रण, और भी खास है वो लोग जो रखते हैं इसे पाने का जज्बा। पान बहार क्रिस्टल, दुनिया का सबसे महंगा पान मसाला। इसी साल अपने अनूठे विजन और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से पान मसाला इंडस्ट्री को नई दिशा देने वाले
श्री दिनेश जैन जी अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सम्मानित किए गए। आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, उस सदस्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और यहां पर मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब और मेहनत करें, अपने बच्चों को भी कहें कि वो भी मेहनत करें, ब्रांड को बढ़ाएं। आप बढ़ेंगे तो मैं बढ़ूंगा। पान बहार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की तो कर ही रहा था, साथ ही ये यंग इंडिया की कामयाबी की पहचान भी बनता जा रहा था। झूलों में बैठकर आसमान का कद पहचाना तो क्या पहचाना, किनारों को जोड़कर नदियों का मिजाज जाना तो क्या जाना। पहचान के लिए पत्थर बनना पड़े तो कैसी पहचान। पहचान वो जिसकी महक खुली हवा में हो, पान बहार पहचान कामयाबी की। सन 2016 में पान बहार ने एक ऐसी एड क्रिएट की जिसने इंडिया ही नहीं दुनिया भर के एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग गुरुओं को हिला कर रख दिया था। पान बहार, क्लास नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। अब बारी है चौथी पीढ़ी की, यंग ईगर एंड पैशनेट पीढ़ी की, जिनके खून में परंपराओं का सम्मान भी है और बदलते ट्रेंड्स की पहचान भी है। ये वो पीढ़ी है जिनके पांव जमीन से जुड़े हुए हैं और जिनकी नजरें आसमान की ऊंचाइयों पर गड़ी हुई हैं। तभी तो इन्होंने अपने सीक्रेट मास्टर ब्लेंड की ऐसी अनूठी कदर की। सीक्रेट और ब्लेंड में क्या रिलेशन है? सीक्रेट आपको लुभाता है, पास बुलाता है। इसे समझना मुश्किल है, समझाना भी। इसकी दुनिया अद्भुत है, सबसे अलग। जैसे पान बहार, ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है। सीक्रेट मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का, जो आपसे कहता है जरा ठहरो, महसूस करो इसकी खुशबू को, खो जाओ इसके यादगार लम्हों में। पान बहार सीक्रेट मास्टर ब्लेंडिंग का। उधर पान बहार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था, इधर डीजे ग्रुप हॉस्पिटैलिटी एंटरटेनमेंट पैकेजिंग हेल्थ केयर के साथ साथ टी एंड कन्फेक्शनरी जैसे क्षेत्रों में भी अपनी दमदार प्रेजेंस दर्ज करवा रहा था। 1936 में हुई सीक्रेट मास्टर ब्लेंड की वो नन्ही सी शुरुआत आज एक विराट रूप ले चुकी है। इस यात्रा में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने हर पल पान बहार का साथ दिया, पान बहार की सक्सेस को ही अपना एकमात्र गोल बना लिया। आप सभी के योगदान को सलाम। आपका अटूट साथ है तभी तो पान बहार है कामयाबी की पहचान। जो जख्म अजनबियों की खातिर सीने पर लगे, जब वो मेडल से भी कीमती लगने लगे, तब समझना कामयाब हो तुम। जब अपने रुतबे पर आप इतराते नहीं, तय करके मंजिलें उन्हें गिनवाते नहीं, जब कर दिखाते हो पर किसी को जताते नहीं, तब समझना कामयाब हो तुम। कामयाबी की कसौटी सिर्फ दौलत नहीं, दोस्तों से हो भरी, लाइफ की खाता बही। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार पहचान कामयाबी की।